दोस्तों सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पे इंडिया सिनेमा में 57 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज हुए 14 दिन कंप्लीट कर चुकी और इस मूवी ने 14 दिन के अंदर इंडिया वर्ल्ड वाइड से शानदार कमाई करके अपना बजट भी कंप्लीट कर लिया और सुपर डुपर हिट भी रहने वाली है। काफ़ी फैंटास्टिक कलेक्शन रहा बॉक्स ऑफिस का। डे 1 से लेकर डे 14 तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड इंडिया मार्केट ओवरसीज मार्केट से कितना कलेक्शन किया है फुल डिटेल में बजाने की भी बात करें कि इस मूवी ने किस किस मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और कौन कौन से रिकॉर्ड टूटने बाकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसी का भाई किसी की जाने 9वें 10वें दिन मैसिव जंप लिया था, लेकिन कैसे आपको पता है हमेशा सैटरडे संडे ट्यूजडे तक आपको लॉकडाउन देखने को मिलता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे को आपको फिर से मैसिव जंप देखने को मिलेगा। और गाइस इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरे एक मंथ तक काफी बढ़िया तरीके से चलने वाला है। गाइस इस मूवी ने अपने रिलीज से पहले ही 70 करोड़ के जो OTT राइज है वो G5 को सेल आउट कर दिए थे और सलमान भाईजान का जलवा बॉक्स ऑफिस पे तड़का मचाने के लिए सलमान भाईजान का नाम भी काफी है। तो अगर आप सच्ची में सलमान भाई को दिल से प्यार करते हो यार इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात कर लेते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, पहले दिन 15 करोड़ 81 लाख रुपए का ओपनिंग था, काफी कम ओपनिंग था, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन 25 और 26 करोड़ का कलेक्शन करके मूवी ने सुपर हिट होने का सबूत दे दिया था। अगर बात करें 12वें 13वें 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो कैसे इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में काफी बढ़िया ओवरसीज मार्केट में काफी बढ़िया कलेक्शन किया। दिल्ली से इस मूवी ने कुल मिलाकर 10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अगर बात करें 12वें दिन इस मूवी ने इंडिया कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया, 13वें दिन 1 करोड़ 17 लाख रुपए की कलेक्शन हुई थी और कुल मिलाकर इस मूवी ने 14वें दिन इंडिया से 1 करोड़ का कलेक्शन करके 14 दिनों के अंदर इंडिया से 106 करोड़ का नंबर क्रॉस कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है एज कम्पेयर टू जिस तरह इस मूवी ने पहले दिन 15 करोड़ का ओपनिंग किया, एकदम टट्टी ओपनिंग था। लेकिन गाइज ये मूवी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन हमको करती हुई नजर आ रही है, लाइफ टाइम ये मूवी इंडिया से 150 करोड़ का भी नंबर क्रॉस कर सकती है। अगर बात करें ओवरसीज मार्केट में इस मूवी ने 14 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में 6.31 मिलियन US डॉलर कमाए थे, मान लो 6.31 मिलियन US, जिसमें अगर इंडियन क्रॉस में कन्वर्ट करते हो तो इस मूवी ने केवल 14 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में 52 करोड़ 60 लाख रुपए की कलेक्शन की थी। कुल मिलाकर जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इस मूवी का वो डोमेस्टिक जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड वो 176 करोड़ हो चुका है। तो 14 दिनों के अंदर किसी का भाई किसी की जान वर्ल्ड वाइड से 176 करोड़ का कलेक्शन करके अपना 120 करोड़ का बजट कवर कर चुकी है। इस मूवी ने यूएसए और कैनेडा से केवल 1.14 मिलियन US डॉलर कलेक्शन किया है, मिडिल ईस्ट से 909,50,000 करोड़, काफ़ी बढ़िया कलेक्शन ओवरसीज मार्केट आपने लिस्ट देखी होगी। तो अगर बात कर लेते ये मूवी लाइफ टाइम इंडिया से कितना कलेक्शन करेगी, बॉक्स ऑफिस का जो रिपोर्ट कहना है उसके मुताबिक मूवी एवरेज मूवी रहने वाली है या ज्यादा से ज्यादा मूवी सब में हिट हो पाएगी। लाइफ टाइम ये मूवी इंडिया से 140 से लेके 120 करोड़ से ऊपर कलेक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि दिन ब दिन इस मूवी का कलेक्शन लो डाउन होता जा रहा है। और एक बड़ी फ्रेंचाइज मूवी नहीं, नॉर्मल मूवी साउथ इंडस्ट्री को बहुत बड़ी मूवी का रीमेक है। बेसिकली गानों का एल्बम इसमें कुछ 6 से 7 गाने आपको देखने को मिलेंगे। सलमान भाईजान का जो बॉलीवुड में ऑफिशियली कमबैक होगा वो टाइगर 3 से होगा, तो मैं तो टाइगर 3 बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग हो कि नहीं कॉमेंट सेक्शन बताना। तो भैया आपसे अगेन रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही।